नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऐसे बदलावों की जानकारी देने वाला हूं जो कि 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे, यानी आज के 4 दिन बाद 1 अक्टूबर 2022 से बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दोस्तों, इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपको खुश कर देंगे, वहीं दोस्तों इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपको परेशानी में भी डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आप लोगों को इन 8 बदलावों की विस्तार से जानकारी दें कि आखिर क्या क्या बदलाव किया गया है, किन किन चीजों में परिवर्तन किया गया है, इनसे आप पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले बदलाव की, तो दोस्तों पहला बदलाव अटल पेंशन योजना में किया गया है। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि जिनकी भी इनकम 2,50,000 रुपए से अधिक है, यानी जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वो लोग अब अटल पेंशन योजना में अपना नामांकन नहीं करा पाएंगे, यानी वो लोग अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर के बाद से शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये था पहला बदलाव जो कि अटल पेंशन योजना में किया गया है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में लोगों को 5,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। दोस्तों, बात करें दूसरे बदलाव की, तो दोस्तों दूसरा बदलाव ये किया गया है कि जो लोग कार्ड से खरीदारी करते हैं उनके लिए टोकन व्यवस्था कर दी गई है और वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू भी हो जाएगी। दोस्तों, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो यानी खरीदारी करते हो, या फिर डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हो, आप सभी के लिए टोकन की व्यवस्था कर दी गई है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो ई कॉमर्स साइट है या फिर पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर आपके कार्ड की जो भी डिटेल उनके पास सेव हो जाती थी, वो अब उनके पास डिटेल सेव नहीं। दोस्तों, आरबीआई ने फैसला देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए लिया है कि अब लोग साइबर फ्रॉड में कम से कम शिकार होंगे, उनका डाटा पेमेंट गेटवे पर सेव नहीं होगा, ई कॉमर्स साइट पर सेव नहीं होगा अगर वो ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट करते हैं। दोस्तों, बात करें तीसरे बदलाव की, तो दोस्तों तीसरा बदलाव ये किया गया है कि सेबी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, उन लोगों को नॉमिनेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर वो नॉमिनेशन नहीं कराते हैं तब दोस्तों उनको एक घोषणा पत्र देना होगा कि मैं नॉमिनेशन नहीं करना चाहता। अगर वो घोषणा पत्र भी नहीं देते हैं या फिर नॉमिनेशन नहीं कराते हैं तब दोस्तों म्यूचुअल फंड नहीं ले पाएंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो सेबी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 1 अक्टूबर से इसे भी लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, चौथा बदलाव यह किया गया है कि छोटी बचत पर ऊंचा ब्याज संभव होगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आरबीआई महंगाई को काबू में करने के लिए चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी करने जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा तो दोस्तों जो छोटी बचत योजनाएं हैं जैसे बचत खाता या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर केवीपी यानी किसान विकास पत्र या फिर और आरडी हो गई यानी रिकरिंग डिपॉजिट, तो दोस्तों आपको बैंकों से या फिर पोस्ट ऑफिस की जो भी एफडी आरडी या फिर बचत खाते हैं उन पर आपको ज्यादा ब्याज संभव होगा। साथ ही दोस्तों आपके बैंक में चल रहे लोन की ईएमआई भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आरबीआई अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा तब दोस्तों आपका पैसा जो बैंक के पास बचत योजनाओं में जमा है, बैंक आपको उन पर ज्यादा ब्याज देने लगेगा। वही दोस्तों बैंक जो आप लोगों को लोन देता है उन पर भी वो ब्याज दर बढ़ा देगा, तो इससे आपकी जो लोन की ईएमआई है वो भी बढ़ सकती है। वही दोस्तों आपकी जो छोटी बचत योजनाएं हैं उन पर भी ज्यादा ब्याज बैंक आपको देंगे। दोस्तों, बात करें पांचवें बदलाव की, तो दोस्तों पांचवा बदलाव सेबी की तरफ से ये किया गया है कि जिन लोगों के पास एक डीमैट खाता है यानी डीमैट अकाउंट है, वो लोग अगर अपने खाते में 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करते यानी 2-स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तब दोस्तों वो लोग 1 अक्टूबर से अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी एक डीमैट खाता है, आपने अपने खाते में 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं किया है, तो दोस्तों आज ही आप इसे ऑन कर लें, अदरवाइज सेबी ने साफ कहा है कि आप 1 अक्टूबर से अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें छठे बदलाव की, तो दोस्तों छठा बदलाव यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर व वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इसकी समीक्षा 1 अक्टूबर को होगी तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर है, इनकी कीमतों में भारी गिरावट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हर महीने इन गैस की कीमतों का जो समीक्षा होती है वो 1 तारीख को ही की जाती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जब 1 अक्टूबर को इनकी समीक्षा की जाएगी तो घरेलू गैस और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम काफी कम हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें सातवें बदलाव की, तो दोस्तों सातवां बदलाव पीएफआरडीए की तरफ से किया गया है। पीएफआरडीए ने साफ कहा है चाहे वो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हो या फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, सभी को ई नामांकन कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों, बात करें आठवें व अंतिम बदलाव की, तो दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 1 अक्टूबर को जब सीएनजी गैस के दामों की समीक्षा होगी तब दोस्तों सीएनजी गैस के दाम उच्चतम स्तर पर जा सकते हैं, यानी सीएनजी गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर जानकारियां पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।